बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पठान सिनेमाघरों में गदर मचा रही है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। पठान को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज क्रिएट किया गया है। फिल्म थिएटर के अंदर लोग पागलों की तरह झूम झूम कर नाच रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मों को रेटिंग देने वाली वेबसाइट IMDb पर पठान के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल IMDb पर पठान की रेटिंग देखकर शाहरुख खान के फैंस को निराशा हो सकती है। सिनेमाघरों में कमाल दिखा रही पठान रेटिंग के मामले में पिट गई। 25 जनवरी को रिलीज हुई सिद्धार्थ आनंद की फिल्म को IMDb पर 6.8 की एवरेज रेटिंग मिली है। फिल्म को 49.3% लोगों ने 10 की रेटिंग दी है। इसके बाद 5.6% लोगों ने 9 की रेटिंग दी है। 3.2% लोगों ने 8 की रेटिंग दी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 34.3% लोगों ने फिल्म को केवल 1 रेटिंग दी है, जिसने इसका काम बिगाड़ दिया। इसके लिए 21,314 लोगों ने फिल्म को IMDb पर रेटिंग दी है। पठान से ज्यादा तो अल्लू अर्जुन की पुष्पा को 7.6 रेटिंग मिली है। कहना गलत नहीं होगा कि IMDb पर शाहरुख खान की पठान का जलवा फीका रहा। फिल्म की रेटिंग से लग रहा है कि शाहरुख खान की पठान का विरोध का असर पड़ा है। यही वजह है कि IMDb पर फिल्म को कुछ खास रेटिंग नहीं मिली। बता दें कि पठान ने ओपनिंग डे पर देश भर में 57 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि फिल्म जल्दी ही 500 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी। बता दें कि पठान शाहरुख खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हो रही है। इसने अब की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की। पठान के लिए आने वाला वीकेंड भी बढ़िया जाने वाला है। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पठान ने बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे ज्यादा प्री रिलीज टिकट बिक्री दर्ज की। पठान ने यश की KGF चैप्टर 2 को पछाड़ते हुए एक भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग भी दर्ज की। बता दें कि पठान का रिलीज से पहले काफी विरोध किया गया। फिल्म का इसके गाने बेशर्म रंग की वजह से काफी बवाल मचा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। वैसे जिस तरीके से शाहरुख खान की ये फिल्म चल निकली है, उसके बाद से बॉक्स ऑफिस भी हरा भरा नजर आ रहा है। फिलहाल शाहरुख खान की पठान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।